गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द क्लास सिक्स इज एक इसमें एक्टिविटी है बेकरिंग परफॉर्म की। व्हाट इज द एक्टिविटी? टू फाइंड आउट वेदर द गिवन मटेरियल इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर। यानी कि हमारे पास में जो मटेरियल गिवन है वे वाटर में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, यह हमें देखना भी। तो देखिए, what are the requirement of the material for this activity? We will need the following things here: sugar, chalk powder या soil. We'll need the washing soda, lemon juice, oil, etc. और we need 5 test tube या 4 या 5 you can use. अब देखिए इसका रिजल्ट क्या देखेंगे। रिजल्ट इज बेस्ड अपॉन यूर ऑब्जर्वेशन, वट यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्टिविटी that you write in the result. And in the homework, you will perform the activity at your home for easily understanding. अब देखिए, we will do the activity. I taking sugar, washing powder, soil, और ये oil and half lemon. You can take the test tube or test tube are not available, you can take the glass available at your home. So I taking the 4 and 5 glasses here. You will add half glass with water. इसको आप हाफ ग्लास को पानी से भर लेंगे भी। और then you add one by one material and then dissolve it with the help of a spoon. तो देखिए, we will doing now. We will first add the sugar in the first glass. ठीक है, then you add the washing soda in the second glass. Now you add the soil in the third glass. Now you add the oil in fourth one. Then lemon in the last glass. इसको आप जूस निकाल लो इसका, ठीक है। Now you first dissolve the lemon. इसको थोड़ा सा स्पून से हिला देंगे। तो what you seen? You will seen that the lemon juice is ready now. जो लेमन था इट इज इजिली डिजोल्व इन वाटर, दैट इज यूर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ वी डिजोल्व द शुगर। It takes some time. If water is hot, it dissolves very fast compared to cold water. Because the hot water increases the kinetic energy of the particle. देखिए, शुगर नाउ डिजोल्व इन टू द वाटर। आपने पहले लेमन और शुगर को डिजोल्व करना है, सो दैट वी कैन यूज देम फॉर ड्रिंकिंग। एंड नाउ वी विल डिजोल्व द वाशिंग पाउडर। तो देखिए, जो वाशिंग पाउडर है इट इज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। Now we dissolve the soil in water. Leave it for some time. Now we dissolve the oil in water. Now leave it for some time.
तो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व, तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द वाशिंग सोडा इज फुली डिसॉल्व इन वाटर, एंड आप देखते हैं जैसे जो ऑयल एंड वाटर दे डोंट डिसॉल्व, मोस्टली जो ऑयल है इट इज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी। एंड देखिए जो सॉइल है ये भी वाटर में क्या भी इनसॉल्युबल, अल्टीमेटली इट इज सेट एट बॉटम ड्यू टू द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो देखिए जो सॉइल है और जो ऑयल है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इन द रिजल्ट व्हाट यू राइट, वी राइट दैट ऑयल एंड सॉइल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और वाशिंग सोडा इज सॉल्युबल इन वाटर, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, और लेमन सॉल्युबल इन वाटर। तो दीज आर योर ऑब्जर्वेशन, यू कैन राइट इन द रिजल्ट। तो दिस इज वेरी सिंपल एक्टिविटी, यू विल ईजिली परफॉर्म एट योर होम। तो आपने इसको करके देखना घर पे। तो दैट इज द टॉपिक ऑफ द डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।